हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बलिया रेल फैन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके अपडेट प्रस्तुत हैं बलिया रेलवे स्टेशन पे बन रहे प्लेटफॉर्म नंबर 4 का, जो कि फेफना साइड से होगा। आप देख सकते हैं, ये मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो बलिया रेलवे स्टेशन है, और जो पीछे से मेरे जो भी रास्ता आ रहा है वो फेफना की तरफ से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्लीपर्स ला के रखे हैं, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, क्रॉस ओवर बनेंगे, जिससे ट्रेन अपनी ट्रैक चेंज करती है। और आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बैलास जो है वो गिट्टी यानी मोटी वाली पड़ चुकी है, बिछ चुकी है, इसके ऊपर स्लीपर बिछाने हैं। ये अपडेट जो है फेफना साइड से है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। और सामने ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो काम कर रही हैं, स्लीपर्स यहाँ पे रखे गए हैं। उस साइड अगर दिखाऊँ तो उस साइड आपको मैं आपको ओल्ड वॉशिंग पिट है जिसका आपको दिखाता हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं भी आया हूँ ओल्ड वॉशिंग पिट पे, वो जो आपको सामने दिख रही है, ये हमारी दोस्तों जो बलिया रेलवे स्टेशन की 12 कोच की एक ओल्ड वॉशिंग पिट है। ओल्ड मतलब पुरानी, नई तो बन रही है, जो कि बहुत पहले से है और यहाँ पे काम चलता है, ऑन है। अभी कुछ दिन पहले तक ही कोविड केयर कोचेस खड़े थे जिनको हटा दिया गया है, क्योंकि वॉशिंग पिट को अब तोड़ देना है, अब अनडेड कर देना है। और आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है वॉशिंग पिट, जो कि हमारी नई वाली है वो मॉडर्न होगी, वो LHB रेक के लिए होगी। यहाँ पे वॉशिंग पिट का एंड है। इस साइड हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, और उधर बहुत सारी लाइनें हैं जो 1, 2, 3 और मेन लाइन के लिए है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पे JCB काम कर रहा है, मिट्टी बराबर कर रहा है। हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस खड़ी है, जो दिल्ली से बलिया तक आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब मलबा जो है, यहाँ पे दीवार हुआ करती थी जिसको तोड़ के, उसी का मलबा है जिसको हटाया जाएगा। और इस साइड तो खैर दीवार है, आगे दुकानें हैं, तो ये तो रास्ता बंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मिट्टी गिट्टी जो भी है, स्लीपर्स है वहाँ पे पड़ा हुआ है। और आप जहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्लीपर्स हैं, तो स्लीपर्स आ रहे हैं, आ चुके हैं कुछ, यहाँ पे बिछेंगे और क्रॉसिंग और पॉइंट टू चेंज द ट्रैक्स। आगे मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ वो बलिया रेलवे स्टेशन के साइड का है, जहाँ पे ट्रैक्टर्स खड़ी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंग पिट है, राइट साइड में बलिया रेलवे स्टेशन है, और ये सब ट्रैक्टर्स हैं 3-3। आगे स्लीपर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे मलबा है जो दीवार हुआ करते जिसको तोड़ा गया है। यहाँ से ही हमारी लाइन आएगी, अभी यहाँ पे सामने दीवार है उसको भी तोड़ा जाएगा, और उसके उधर कटर नाला ब्रिज है जिसके ऊपर काम चल चुका है, काम हो चुका है, कटर नाला ब्रिज बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं JCB जो है वहाँ काम कर रहा है, और ये वॉशिंग पिट पे है लोग। वो तो JCB जो काम कर रहा है वो शायद मिट्टी बराबर कर रहा है, जिसके ऊपर बाद में बैलास्ट डाला जाएगा। और यहाँ पे तो बैलास्ट डल चुका है, यहाँ पे बस स्लीपर बिछाना है, उसके ऊपर ट्रैक बिछाना है और वॉशिंग पिट तोड़ना है। इधर बहुत सारी जगह है जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 होगा। हम सफ़र क्लोन भी आई हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। यहाँ से अगर देखें यहाँ पे सामने JCB दिख रहा है, मैं जूम करूँ तो ये रहा जो काम कर रहा है, और बैलास्ट तो आपको दिख रहा होगा आगे तक डल चुका गया है। तो ये इधर से है जो क्रॉसिंग है उसके साइड का, जहाँ पे ये सब काम हो रहा है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे हूँ जो पटेल नाला ब्रिज है, जहाँ से डबल लाइन पास करेगी, नया वाला ब्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनकर एकदम तैयार है, और यहाँ पे प्लेन भी है, इस पर गाड़ी उड़ी जब जाने लगी है। और इसी के बगल में आपको दिखा दूँ जो पुराना ब्रिज है, गिडर वाला, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, वो भी है इसके लेफ़्ट साइड में। फ़िलहाल तो ये नया वाला है जो एकदम यहाँ से आप देखेंगे तो आगे छोटी गिट्टी डाल दी गई है पूरा आगे तक, अभी दिखाऊँ इधर तो अब इस पर बैलास्ट डालना है, ट्रैक डालना। ये कुछ 150 मीटर है आज उमरगंज क्रॉसिंग तक, और ये हमारा ब्रिज है। यहाँ से एकदम सीधे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहुँच जाएगी वो लाइन जो है,
और ये हमारा दूसरा ब्रिज जो पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, गिर्डर ब्रिज है, और ये सीमेंटेड ब्रिज है। नीचे कटहल नाला है, उसी के ऊपर ब्रिज है। और यही जो रास्ता है, यहाँ से जो डबल लाइन की ट्रैक आएगी वो बलिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक जाएगी। इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उधर जो बड़े रॉक्स हैं वो डाल दिए गए हैं ताकि पानी मिट्टी ना काटे। और साइड साइड में थोड़ी जगह आपको जो दिखेगी थोड़ी सी बाहर निकली हुई, वो पोल्स के लिए होगा, इलेक्ट्रिक पोल्स। और उस साइड भी दिखाऊं तो जो रॉक्स हैं, मोटे मोटे रॉक्स, बड़े बड़े, पानी को काटने के लिए, पानी ना कटे, मिट्टी ना कटे, वो भी डाल दिए गए हैं। और बगल में हमारा जो सीमेंटेड ब्रिज है, अरे गिर्डर ब्रिज है अंग्रेज़ों के टाइम का, और ये रास्ता जाता है फेफना की तरफ सागरपाली होते हुए। और इधर बलिया रेलवे स्टेशन है, जो बलिया की पश्चिम केबिन है, इसको तोड़ दिया जाएगा। इसके बगल में ही एक नई केबिन बनी है, आगे दिखाएंगे आपको, वहाँ से कंट्रोल होगा। सामने पेड़ हैं, कट जाएंगे, ब्रिज के नीचे जगह है, आराम से ट्रेन जा सकेगी। और इधर से ही ट्रैक आएगा जो कि आगे बलिया रेलवे स्टेशन पर जाएगा। आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इधर तो पूरा काम हो चुका है, बस बेलास्ट और स्लीपर और ट्रैक डालने हैं, जो कि 150 मीटर का कुछ एरिया है उसी में डालना है, तो जल्दी हो जाएगा। और आगे आपको दिखाते हैं कि जो नया हमारा पश्चिम केबिन है वो बन गया है, उस पर काम चालू हो जाएगा, तो पूर्व वाले को तोड़ दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये पश्चिम केबिन, और उसके बगल में है जो नया पश्चिम केबिन, जिसको अभी चालू तो नहीं किया गया है, जल्दी ही चालू हो जाएगा। और एकदम सीधे लाइन चली जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए। ये रहा, और इधर से ही ट्रैक आएगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ और बलिया की अपडेट्स देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।